मैं गीता वर्मा गीता की न्यू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बेसन ले रही हूँ। एक कप बेसन लिया है जो कि 150 ग्राम के बराबर है, और यहाँ पे मैंने बारीक वाला बेसन लिया है, मोटा बेसन आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे छान लूँगी। छानने से क्या होगा, एक तो इसके लंप्स निकल जाएंगे और साथ ही इसमें हवा भर जाती है, तभी आपका जो ढोकला है वो सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। तो इस तरीके से अच्छे से इसे छान लेंगे। यहाँ पे मैंने बेसन को देखिए अच्छे से छान लिया है, अब इसमें कोई भी लम्प्स नहीं है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 5 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड जिसे नींबू के फूल भी बोला जाता है और किसी भी परचून की दुकान पे इजीली मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो इसकी जगह आप 1 टेबल स्पून नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चुटकी येलो फूड कलर। बहुत लोग हल्दी डालते हैं पर मेरे पास कंप्लेंट आती है कि मैम हल्दी डालने से ना हमारा जो ढोकला है वो लाल पड़ जाता है, इसलिए आप हल्दी ना डाल के बल्कि उसकी जगह फूड कलर डालेंगे तो आपका ढोकला कभी भी लाल नहीं पड़ेगा। या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बिना हल्दी या बिना फूड कलर के भी बना सकते हैं। 4 टीस्पून मैंने यहाँ पर तेल डाला है और रिफाइंड ऑयल डाला है, और कोई सा आपको तेल नहीं डालना है, सिर्फ रिफाइंड डालिए क्योंकि उसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है। अब यहाँ पे मैं 1 कप पानी ले रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें मिक्स करूँगी। एक साथ पूरा पानी आपको नहीं ऐड करना है, एक साथ ऐड करेंगे तो बहुत पतला हो जाएगा, तो आपको मीडियम कंसिस्टेंसी रखनी है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएँ और इसे मिक्स करते जाएँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरह की पोरिंग कंसिस्टेंसी है, और पूरा 1 कप पानी यूज़ नहीं हुआ है, उसमें से अभी 2 से 3 टेबलस्पून पानी बच गया है। ये देखिए इसे फ़िलहाल मैं साइड में रख देती हूँ क्योंकि इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगी, इसे ढक के रख दूँगी, इसे हमें ढककर छोड़ना है रेस्ट करने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने बेकिंग टिन लिया है, आप कोई भी इस तरह का स्टील का बॉक्स भी ले सकते हैं, जैसे टिफ़िन होते हैं उस तरह का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे जिससे कि हमारा ढोकला आसानी से निकल जाए। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ, और एक तरफ मैंने गैस पे कढ़ाई में पानी रखा है स्टीम होने के लिए,
तो आपको एक स्टीमर यूज़ करना है, या अगर स्टीमर नहीं है तो कढ़ाई में भी आप स्टीमर तैयार कर सकते हैं। अब ये जो बेसन का बैटर है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 इनो के पाउच। अगर आप इनो नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं, जो खाने वाला सोडा होता है वो 1/2 टीस्पून आपको ऐड करना है। इसके ऊपर मैं हल्का सा पानी ऐड कर दूंगी और इसे फटाफट से मिक्स करेंगे। अगर आपने सोडा ऐड किया है तो भी आपको इसी तरीके से मिक्स करना है, कुछ सेकंड्स के लिए मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, नहीं तो इसकी हवा निकल जाएगी, इसकी सारी एयर निकल जाएगी और ढोकला आपका नहीं फूलेगा। फटाफट से इसे इस तरीके से बेकिंग टिन में डाल देंगे और चलते हैं गैस की तरफ, जहाँ पे हमने कढ़ाई को रखा है स्टीम होने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट से मैं इसके अंदर स्टैंड रखूँगी और ऊपर से मैं ये टिन रख दूँगी और फटाफट से ढक देंगे और इसे आपको हाई फ्लेम पे 15 मिनट तक पकाना है। और 15 मिनट से पहले आपको बिल्कुल भी ढक्कन नहीं खोलना है, अगर आपने ढक्कन खोल दिया तो आपका ढोकला स्पंजी नहीं बनेगा। 15 मिनट तक आपको इसको हाई फ्लेम पे पकने देना है और कढ़ाई में पानी नहीं सूखना चाहिए, इसलिए ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करिएगा। तो 15 मिनट बाद मैं इसे खोलने वाली हूँ। ये देखिए हमारा ढोकला काफ़ी अच्छे से फूल गया है और काफ़ी स्पंजी बना है। चेक कर लेते हैं, एक टूथपिक डालेंगे और ये टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रही है। अभी जो ढोकला है वो बिल्कुल गर्म है, इसने अपनी साइड्स को छोड़ दिया है, इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो पैन में मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, तेल को हम तेज़ गर्म होने देंगे। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून राई, और इसकी जगह आप सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राई को हम चटकने देंगे, साथ ही मैं यहाँ पे कुछ करी पत्ता ऐड कर रही हूँ। तो ये काम बहुत ध्यान से करें, क्योंकि करी पत्ता डालते ही बहुत छींटे आती हैं, तो अगर आप बिगिनर हैं तो ये चीज़ बहुत ध्यान से करें। 4 से 5 हरी मिर्च ऐड कर देंगे, बीच में से काटी हुई स्लिट की हुई, और इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, जितनी चाशनी आपको बनानी है उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो 1 गिलास मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून चीनी और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे सिट्रिक एसिड डालूँगी, जिसे नींबू के फूल भी बोला जाता है। और अगर ये नहीं है आपके पास तो 1 टेबलस्पून इसमें नींबू का रस ऐड कर दीजिएगा, और इसे हम पकने देते हैं जब तक कि इसमें अच्छा सा उबाल ना आ जाए। बस इसे एक बार उबाल आने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर इसमें काफ़ी अच्छा उबाल आ गया है। अब मैं गैस बंद कर दूँगी और इसे मैं हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। यहाँ पे जो ढोकला है वो ठंडा हो चुका है। ध्यान रहे, जब भी हम चाशनी डालेंगे ढोकले में तो एक चीज़ आपकी गर्म होनी चाहिए। चाहे अगर आपका ढोकला गर्म है तो चाशनी ठंडी होनी चाहिए, अगर चाशनी गर्म है तो ढोकला ठंडा होना चाहिए, तभी जो ढोकला है वो चाशनी को अच्छे से अब्सॉर्ब करता है। और यहाँ पे आप देखिए कितना परफेक्ट ढोकला बना है। अगर आपका ढोकला सही नहीं बना है तो इसका मतलब आपके जो पीसेज हैं जब आप उसे कट करेंगे तो वो बिखर जाएगा, बिल्कुल भी उसके पीसेज अच्छे से नहीं कटेंगे। अगर स्पंजी बना है तो जिस तरीके से मेरा ढोकला बहुत ही अच्छे से पीसेस कट हुए हैं, इस तरीके से आपके भी पीसेस कट होंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी इसमें जालियाँ बनी है और कितना स्पंजी है। तो यहाँ पे ये देखिए इसमें बारीक बारीक बहुत सारी जालियाँ हैं। अगर आप इसमें सोडा मिलाते हैं तो आपकी जो जालियाँ हैं वो थोड़े बड़े साइज़ की बनती हैं, अगर आप इनो मिलाते हैं तो आपकी जालियाँ तो बनेंगी, बस थोड़ी सी छोटी छोटी बनेंगी। तो यहाँ पे हमने इनो ऐड किया है तो आप काफ़ी अच्छी जालियाँ देख पा रहे होंगे, अंदर तक एकदम स्पंजी बना है ढोकला। ये देखिए जो हलवाई होते हैं वो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रहे, जो भी सोडा आप इस्तेमाल कर रहे हैं अगर, तो आपका जो सोडा है वो एकदम फ्रेश होना चाहिए। मेरे पास फ्रेश सोडा नहीं था इसलिए मैंने इनो का इस्तेमाल किया है। और आप देख सकते हैं कितना स्पंजी हमारा ढोकला बना। ये देखिए जब मैं इसे दबा रही हूँ तो किस तरीके से वापस ये फूल के वापस आ जा रहा है। तो चाहे आप इनो इस्तेमाल करें चाहे सोडा इस्तेमाल करें, आपका ढोकला एकदम स्पंजी बनेगा अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पीसेस कट चुके हैं। अब मैं इसके अंदर गरम गरम चाशनी ऐड करने वाली हूँ। तो क्योंकि ढोकला हमारा ठंडा है, अगर ढोकला गरम है तो चाशनी ठंडी होनी चाहिए, यानी कि एक चीज़ आपकी गरम और एक चीज़ ठंडी होनी चाहिए, तभी जो ढोकला है वो अच्छे से चाशनी को अब्सॉर्ब करता है।
तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं इस पे चाशनी डाल रही हूँ, चाशनी बिल्कुल अंदर तक अब्सॉर्ब हो जा रही है। ये देखिए चाशनी किस तरीके से अंदर जा रही है, ढोकला एकदम पी लेता है चाशनी को। तो यहाँ पे मैं पीसेस को थोड़ा सा उल्टा करके भी डाल देती हूँ चाशनी, ताकि कहीं से भी ऐसा ना हो कि चाशनी अंदर ना जाए। तो इसलिए पलट पलट कर भी हर तरफ से चाशनी को डालें, जिससे कि चाशनी हर तरफ पूरी बराबर जाए। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ये चाशनी पूरी डाल दी है, ये देखिए जितनी भी चाशनी थी वो पूरी मैंने डाल दी है, और ढोकला धीरे धीरे इसे पूरा अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेगा। और ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट ढोकला तैयार हो गया। देखा कितना आसान था। इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका जो ढोकला है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, और बहुत ही अच्छा स्पंजी ढोकला बनेगा। तो अब आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर पे इसे बनाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है और बहुत सस्ता पड़ता है। तो इसे बना के ट्राई कीजिए और मुझे लिख के बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।